यूं तो लगभग पूरे देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, यहां सूबे में छोटे से गांव रामगढ़ के लोग आज तक बिना बिजली के ही रहने को मजबूर है। और तो और बता दें कि जहां साल 2017 में आम आदमी अब एसी रूम में रह रहा है, वहीं इस गांव के लोगों ने लंबे समय से बिजली तक नहीं देखी है। आपको बता दें कि शहरों में जहां हर दूसरा शख्स पूरा तरह से बिजली पर निर्भर, ऐसे में इस गांव के लोग आज भी बिना बिजली के रहते हैं। यहां बच्चे बिना बिजली के केरोसिन लैंप में पढ़ाई करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित इस गांव में अभी तक बिजली की लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। कोरिया जिले के जिला न्यायाधीश ने न्यूज एजेंसी में अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि रामगढ़ में बिजली की लाइनें आज तक नहीं बिछाई गई, लेकिन यहां सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। हालांकि बरसात के दिनों में पावर प्लांटों में खासी दिक्कत आती है। इन दिनों प्लांट की बैटरी काम करना बंद कर देती है, इससे बरसात के दिनों में पूरे गांव को बिना बिजली के ही रहना पड़ता है। हालांकि डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन पावर प्लांट को दुरुस्त करा दिया जाएगा। एक महीने के अंदर रामगढ़ में बिजली दोबारा आ जाएगी। जानकारी दे दे कि दूसरी तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि 21वीं सदी में क्यों गांव के लोगों को बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है। साल 2017 में यहां के लोगों को साल 1990 के दशक जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। जानकारी दे दे कि यूपी के भदोही गांव में भी आज तक बिजली नहीं पहुंची। इस गांव के लोग भी बिना बिजली के रहने को मजबूर है। गांव के लोग आज भी मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। गौरतलब है कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। इस गांव की आबादी करीब 900 बताई जा रही है। SPN9 न्यूज से जुहरा की रिपोर्ट।